इंडिया आज तक आपकी आवाज। मैं हूं सिद्धरा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। तो चले हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू। प्रधान ने कहा, अपनी ग्राम सभा में काम करना हमारा कर्तव्य है। अमेठी जनपद की जगदीशपुर ब्लॉक की ग्राम प्रधान गडरिया डी के ग्राम प्रधान शान मोहम्मद ने पेश की मिसाल। इस महामारी के चलते उन्होंने हजारों परिवारों को गुप्त मदद करने का कार्य किया और कहा, गरीबों की मदद करना हमारा शौक है, हम गरीबों की मदद करते हैं और हम फोटो खिंचवाने के शौकीन नहीं, हम ऐसे ही लोगों की मदद करते रहेंगे। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार मनरेगा का कार्य चल रहा है, समय समय पर मजदूरी मिल रही और पाक परवरदिगार आलम से मुल्क की सलामती के लिए दुआ करता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान से महामारी बीमारी चली जाए, हिंदुस्तान की विजय हो जाए और आपस में भाईचारा की बात हो। अमेठी से आमिर हुसैन की रिपोर्ट। किस पद पे हैं? ग्राम प्रधान। किस ग्राम प्रधान जी? ग्राम सभा है। प्रधान जी, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि देश के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन दिया था, ये लॉकडाउन बढ़कर 3 मई से 17 मई, 17 मई से 21 मई, 21 मई से 30 जून तक हो गया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस लॉकडाउन के लिए या पूरे देश के लोगों को, अपने ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई सही, अच्छा है लॉकडाउन लगाया, अच्छी बात है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे राशन वितरण को लेकर, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके ग्राम सभा में पूरी तरह लोगों तक, कार धारकों तक, जरूरतमंद परिवारों तक राशन पहुँच गया, कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं, राशन कार्ड राशन पहुँच गया, मगर एक शिकायत है कि राशन गल्ला कम तोल के दिया गया है, 2 किलो 3 किलो गल्ला कम तोल। इसकी शिकायत आपने किसी शिकायत की गई उच्च अधिकारियों से की? की गई। अधिकारी क्या उस पर कार्रवाई करेगी? तो ये अपने इनको क्या बोलते हैं, अरे कोटा के सप्लाई इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर को आपने जो है शिकायत हुई है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधान जी, मैं जानना चाहता हूं, जैसे कि जब से महामारी बीमारी आई है तब से आपने अपने ग्राम सभा में हजारों जरूर, मैं कहीं ना कहीं समाज में देखने को मौका मिलता है, आपने हजारों जरूरतमंद परिवारों को, चाहे खाद्य सामग्री की बात रही हो, चाहे सब्जी की बात रही हो, चाहे रुपया पैसा की बात रही हो, आपने उनको गुप्त मदद करने का कार्य किया है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में देखने को मौका मिलता है कि इस समय अगर कोई किसी गरीब परिवार को अगर 1 किलो अगर खाद्य सामग्री दे देता है तो उसकी बार लाखों बार फोटो खिंचवाने कार्य करता है, लेकिन आप इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।